हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट ग्रीन प्लांट। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, जो प्लांट होते हैं उन्हें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स को रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होते हैं, है ना। तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में लीफ, इस पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी की थी। तो लीफ को कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ को क्या होता है, जिस पार्ट से लीफ प्लांट को अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, स्टाल्क कहते हैं। लीफ का जो फ्लैटेड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ प्लेट कहते हैं। और लीफ के सेंटर में एक लाइन होती है ना, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, मेन वेन कहते हैं। और उस मेन वेन्स से साइड में और वेन्स निकली हुई दिखाई देती है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, साइड वेन्स कहते हैं। और लीफ को लीफ में जो लोअर पार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और जो लीफ है, लीफ को प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, किचन ऑफ द हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लीफ में क्या बनता है, प्लांट के लिए फूड बनता है। और ये फूड कैसे बनता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, और वो स्टोमाटा क्या करता है, लीफ को ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे हमने देखा कि जो लीफ है वो क्या करता है, प्लांट के लिए फूड बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो हमने देखा है कि मोस्टली जो प्लांट के लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, रूट्स जो भी मिनरल्स और वाटर जो है एब्जॉर्ब करते वो लीफ तक पहुँचाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या की जाती है, स्टोमाटा की मदद से लीफ में ली जाती है। और इन सब को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, और क्या बनाया जाता है, प्लांट के लिए फूड बनाया जाता है। और इस प्रोसेस के समय क्या होता है, ऑक्सीजन गैस क्या करता है, लीफ बाहर डाल देता है। तो इस तरह प्लांट के लिए लीफ में क्या बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको क्या नहीं होता, लीफ नहीं होते, या फिर वो ग्रीन प्लांट नहीं होते। तो ऐसे प्लांट में फूड कैसे बनाया जाता है, तो ये आज हम देखने वाले हैं। ओके, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, सम अनयूजुअल प्लांट, वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड इन ग्रीन लीव्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि प्लांट जो है वो अपने ग्रीन लीव्स में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ओके, बट देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स एंड सम अदर दैट डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स। तो हमने कुछ ऐसे भी प्लांट देखे हैं जिनमें क्या नहीं होते, लीव्स नहीं होते। तो कुछ ऐसे भी प्लांट है जो जिनका कलर ग्रीन नहीं होता उनके लीव का। ओके, सो हाउ डू दे मेक देयर फूड, तो वो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, क्या आपको पता है क्या वो अपना फूड कैसे बनाते हैं वो प्लांट। आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स एंड सम अदर दैट डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स। तो वो प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा है इमेज में, कौन सा, ये है कैक्टस प्लांट, है ना। तो ये कैक्टस प्लांट्स जो है वो अपना फूड कहाँ पे बनाता होगा, क्योंकि इसको तो लीव्स है क्या, नहीं है। ओके, अ कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, इट हैज स्पाइंस। तो इस कैक्टस प्लांट को क्या है, लीव्स है क्या, नहीं। इसको क्या है, आपको दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है, स्पाइंस दिखाई दे रहे, मतलब कांटे दिखाई दे रहे, है ना। देन इट हैज अ थिक एंड फ्लेशी ग्रीन स्टेम। तो इस प्लांट को क्या दिखाई दे रहा है, आपको ग्रीन स्टेम दिखाई दे रहा है, फ्लेशी। और जो स्टेम है वो कैसा है, फ्लेशी है, और कैसा है, दिखाई दे रहा है हमें, ग्रीन दिखाई दे रहा है। बाय द इट मेक्स इट फूड इन इट्स फ्लेशी स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, इसके स्टेम में बनाता है जो कि ग्रीन और फ्लेशी है। और जिस प्रोसेस से ये बनाता है फूड, वो कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। जैसे प्लांट लीफ में फूड बनाते हैं, उसी तरह से ये जो प्लांट है कैक्टस, ये प्लांट किस में फूड बनाता है, अपने स्टेम में फूड बनाता है। कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ओके, देन तो ऐसे और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके लीव्स जो है हमें ग्रीन नहीं दिखाई देते, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा एक और प्लांट है, कौन सा, जिसे हम
क्रोटॉन कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लीफ हमें कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन नहीं दिखाई देते हैं। लेट्स सी हियर क्रोटॉन। तो ये जो प्लांट है क्रोटॉन, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं ये आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं, है ना। इस प्लांट के लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं क्या हमें? नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्लांट में, अब आप बोलोगे कि इस प्लांट में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता होगा, है ना, लेकिन ऐसा है क्या कि इस प्लांट में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता? कुछ ऐसा है क्या? नहीं। तो इस प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन लेकिन इस प्लांट का जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो, इस प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, वो पिगमेंट हाइड किया जाता है किसकी मदद से? जो रेड पिगमेंट होता है इस प्लांट में, जैसे कि ये क्रोटॉन है, है ना, ये प्लांट है। तो ऐसा प्लांट आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनके जो लीफ होते हैं वो ग्रीन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इस प्लांट में, क्रोटॉन जो है प्लांट, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन वो पिगमेंट क्या किया जाता है? जो रेड पिगमेंट होता है उसकी वजह से वो उस पिगमेंट का कलर, मतलब क्लोरोफिल का कलर क्या किया जाता है? हाइड किया जाता है। ओके, दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द हाइड द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। तो इस प्लांट में क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है? क्लोरोफिल के कलर को हाइड करता है। ओके, सच लीव्स कैन ऑल्सो मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे भी प्लांट है, तो ये प्लांट क्या करता है? ये भी प्लांट फूड बनाता है। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ओके, देन जो डॉडर प्लांट होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं? जीते हैं। मतलब वो अपना खुद का फूड बनाते हैं क्या? नहीं। तो वो जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? खुद का फूड नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर मतलब जीते हैं। वो एक, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाती हूँ इमेज में, तो ये है क्रोटॉन प्लांट, है ना, आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे। ओके, तो ये है डॉडर। तो ये जो प्लांट है, तो आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा, देखा होगा आपने। तो इस तरह के प्लांट होते हैं जो प्लांट क्या करते हैं, किसी और प्लांट के ऊपर रहते हैं। आपने येलो टाइप का, मतलब जो येलो कलर होता है उस टाइप के वेल आपने किसी और प्लांट के ऊपर देखा होगा, है ना, उसे उस प्लांट का नाम क्या है? डॉडर। तो ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट अलग अलग ट्रीज के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और उनसे ही वो खाना पाते हैं। जैसे कि डॉडर, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? अमरबेल। तो ये जो वेल होता है ना, अमरबेल कहते हैं, है ना, ये जो वेल होता है ये दूसरे प्लांट के ऊपर जीता है। इज अ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट मतलब क्या? ये खुद का फूड खुद बनाता है कि नहीं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर जीता है। इट इज फाउंड हैंगिंग ओवर अदर प्लांट्स। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट हमें कहाँ दिखाई देता है? जो प्लांट्स होते हैं दूसरे, उन प्लांट्स के ऊपर हमें दिखाई देता है, हैंगिंग करते हुए, है ना, लटकते हुए। इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड यूज द फूड मेड बाय द होस्ट ग्रीन प्लांट। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है? अपना खुद का फूड खुद बनाता है क्या? नहीं। तो ये प्लांट जो अलग दूसरे प्लांट होते हैं उनसे जो फूड बनता है, तो उनका जो फूड होता है वो उन फूड के ऊपर ये प्लांट क्या करता है? अपना उनसे वो फूड वो पाता है। कौन सा? ये डॉडर प्लांट। ओके, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड, सॉरी। तो ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट अपना फूड खुद से नहीं बनाता, और इस वजह से जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं उस प्लांट को क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट कहते हैं, होस्ट ग्रीन प्लांट कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ और भी प्लांट्स है, जैसे कि मोड्स एंड मशरूम्स, ये भी एक प्लांट है जो कि खुद का फूड खुद नहीं बनाते, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और इन प्लांट के अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, तो वो अपना फूड बना पाते हैं क्या? नहीं। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो फूड, अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं रिमेनिंग, उनसे वो अपना फूड बनाते हैं। लेट्स सी हियर, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये कौन सा है? ये प्लांट है मर्ड्स। ओके, मर्ड्स एंड मशरूम। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करते हैं?
अब इनमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, इस वजह से ये हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। और इस प्लांट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, इस वजह से खुद का फूड खुद बना नहीं पाते। और ये फूड कहाँ से लेते हैं, जो भी रोस्टेड प्लांट होते हैं, मतलब जो भी सड़े हुए प्लांट होते हैं, है ना, डेड एनिमल्स होते हैं, इनका जो रिमेन होता है इनसे वो अपना फूड पाते हैं। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा कि जो अनयूजुअल, मतलब जो प्लांट होते हैं जिन प्लांट को लीफ नहीं होते या फिर उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो वो फूड कैसे पाते हैं, तो ये हमने आज के लेसन में देखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।